वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक पेन के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैंक्रियाटिक पेन कहाँ होता है, पैंक्रियाटिक पेन के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, साथ में हम इसकी जांच और इलाज जो अवेलेबल है उसकी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इसमें क्या खाना चाहिए। यदि पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, ये जो होता है हमारे बिल्कुल सेंटर में, पेट के बिल्कुल मिडिल में इसकी पोजीशन होती है, मतलब तो जो हमारी नाभि होती है उसके जस्ट ऊपर को बिल्कुल सेंटर में ये लोकेटेड होता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, पैंक्रियाज के साथ साथ में जो होता है गॉल ब्लेडर अटैच्ड होता है, साथ में स्टमक भी होता है और उसके ऊपर साइड में लीवर होता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका जो दर्द होता है पैंक्रियाटिक पेन का, तो वो जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा सेंटर में नाभि के ऊपर ऊपर को इसका होता है। और इसके दर्द का जो मुख्य लक्षण ये होता है कि ये जो होता है दर्द आगे से शुरू होता है और पीछे की तरफ वाइब्रेट होकर जाता है, मतलब जो आपको पीठ में भी इसकी वजह से दर्द महसूस होगा, आगे और पीठ में दोनों दर्द होगा, सेंटर में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं पैंक्रियास की लोकेशन देखूं तो पैंक्रियास की जो लोकेशन होती है बिल्कुल आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे अटैच्ड होती है स्टमक के जस्ट पीछे को, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए जो पैंक्रियाटिक पेन होता है या पैंक्रियाज का जो पेन होता है वो पीछे भी होता है और रेडिएशन के साथ जाता है, ऐसा लगता है ठक 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 वाला जो दर्द होता है वो वाइब्रेट होकर जो होता है वो दर्द जाता है। इसके यदि मैं कारण की बात करूं कि पैंक्रियाटिक पेन के कारण क्या होते हैं, तो पहला जो होता है सबसे मुख्य कारण होता है यदि आपके गॉल ब्लेडर में या पित्त में किसी तरीके की पथरी है, उसके अलावा यदि आपकी पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है पानी की वजह से, या फिर आपके शरीर में कैल्शियम का जो लेवल ज़्यादा है, मतलब खून में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके पेरेंट्स को इस तरीके से हुआ है, या फिर कुछ मेडिसिंस हैं जैसे महिलाओं में जो हार्मोन कंट्रोल के लिए दी जाती हैं जैसे इस्ट्रोजन है या फिर स्टेरॉइड है या फिर थायराइड डायुरेटिक्स वगैरह है, किसी को पेशाब वगैरह में प्रॉब्लम है उसकी जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। उसके अलावा यदि आपका पेट बार बार खराब रहता है और आप पेट का सही से इलाज नहीं कर पाते हैं तो भी ये इन्फेक्शन जो है पैंक्रियास तक पहुंच सकता है। उसके अलावा एक मुख्य कारण होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट लेते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, उसके अलावा कुछ लोग जो शराब का पीते हैं उनमें भी बीमारी पाई जाती है, या फिर आपने कोई एसोसिएटेड ग्लैंड की सर्जरी करवाई है जैसे आपने गॉल ब्लैडर की कोई सर्जरी करवाई है, या आपको कोई और इन्फेक्शन हुए हैं जैसे कि मम्स होता है, हेपेटाइटिस है, या सेल्मोनेला टाइफी वगैरह का या टाइफॉइड वगैरह का आपको इन्फेक्शन हुआ, तो उसका असर भी पैंक्रियास पर पड़ता है। उसके अलावा जो गंभीर बीमारियां जैसे कि आपको पैंक्रियास में कोई ट्यूमर है या फिर कैंसर है, तो ये भी इसका कारण होता है और इसकी वजह से भी इसमें दर्द होता है। अब यदि हम बात करें कि पैंक्रियास के जो दर्द के लक्षण क्या होते हैं, तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसमें पेट में सूजन हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है, मतली और उल्टी होती है, जैसे ही आप कोई फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो और हालत खराब हो जाती है, साथ साथ में आपको बुखार भी आ सकता है, आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह भी महसूस हो सकती है। उसके अलावा कुछ लोगों में जॉन्डिस की समस्या पाई जाती है कि आपका इसकी वजह से शरीर पीला पड़ सकता है। अब यदि हम बात करें इसकी जांच कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए जांच होती है जैसे पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट होती है जो एंजाइम के बारे में पता करती है, जैसे एमाइलेज है, लाइपेज है, ये पैनलिपेज है, मतलब जो एंजाइम है उनके बारे में या प्रोटीज एंजाइम है उसके बारे में पता करती है। उसके अलावा HbA1c या इंसुलिन, क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है वो हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह का भी निर्माण करता है। उसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपकी पैंक्रियाज में ट्यूमर है तो इसके लिए डॉक्टर आपका बायोप्सी वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेडियो इमेजिंग टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बात करें अल्ट्रासाउंड होता है सूजन बताता है, CT स्कैन जो बताएगा स्टोन या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, MRI, उसके अलावा ERCP की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रीटमेंट में मदद करती हैं, तथा गांठ घाट के बारे में बताती हैं। अब यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट का, तो इस सच इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको क्या करते हैं, पेन किलर पहले मेडिसिन देते हैं, उसके अलावा एंजाइम प्रिपरेशंस होती हैं जैसे कि पैनलिपेज या पैंक्रियाफ्लेट वगैरह है, एंजाइम प्रिपरेशन वगैरह दी जाती हैं। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, साथ में आपको लो फैट डाइट की सजेशन दे सकते हैं तथा बता सकते हैं कि आपको अपनी डाइट जो है मॉडिफाई करनी है। अब डाइट की यदि हम बात करें तो आपको जैसे फल हैं, खट्टे फल,
साबुत अनाज या फाइबर डाइट होती है, रेशेदार सब्जी उनको खाना चाहिए। उसके अलावा अलसी का बीज है। यदि आप मीट वगैरह खाना चाहते हैं तो फिश ले सकते हैं जो कम फैट वाली होती है। आप चिकन वगैरह भी खा सकते हैं, साथ साथ में आप पालक वगैरह या हरी सब्जियों वगैरह का सेवन भी कर सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी जैसे बैंगन है या भारी चीज़ें जिनसे सूजन बढ़ जाए। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ है, ज़्यादा मीठा खाना है, रेड मीट है, गोश्त वगैरह है। उसके अलावा ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे भारी दूध है। उसके अलावा शराब है। साथ साथ में जो ज़्यादा चावल वगैरह खाने के भी सलाह कम दी जाती है। साथ साथ में ज़्यादा टी या कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि ये इससे एसिड प्रोडक्शन होगी और तो आपको दर्द वगैरह बढ़ सकता है, तो इसकी भी सलाह दी जाती है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेमबो।